आज हम इस्लामी एतबार से अपने आप को अगर देखते हैं तो हमारा दिल ईमान से इस्लाम से बिल्कुल खोखला नजर आ रहा है। किस तरह हमारा इस्लाम और ईमान हमारे पास है, मैं एक मिसाल दूं आपको। एक जगह फुटबॉल मैच हो रहा था, क्या हो रहा था, फुटबॉल मैच। तो मैच में एक एक तरफ से 11-11 खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, और सब अपना कलाकारी दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं। बड़ी भीड़ होती है चारों तरफ से देखने वालों की, और फुटबॉल के साथ क्या सुलूक होता है बोलो, लात से मारो तो राइट खेल है, अगर हाथ लग जाए तो रॉन्ग खेल है, रेफरी फौरन पकड़ लेता है। लात ही से मारो तो सही है, बड़े जम के मैच चल रहा था, लोगों की बड़ी भीड़ थी, देखने वाले बहुत दूर दूर से बाइक लेकर के आए, और खेल जब शबाब में था, इतने में एक बचपना के नौजवान अभी नौखेज बच्चा ने एक बूढ़ा बुजुर्ग को सवाल किया, चचा आप ये तो बताइए, मैच देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सारे खिलाड़ी अपना खेल दिखा रहा है, बहुत ही कांटे का मैच लग रहा है, लेकिन एक बात तो आप बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि सारे खिलाड़ी आकर फुटबॉल को लात ही क्यों मारते हैं, फुटबॉल का क्या कसूर है, फुटबॉल की क्या गलती है कि लात मार रहे हैं, लात ही क्यों मारते हैं, इसको क्या गलती है, हाथ से क्यों नहीं मारते हैं, अभी हाथ में दाएं हाथ से क्यों नहीं मारते हैं, वहां तो दाएं बाएं दोनों फोल्ड हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, लात ही लात क्यों मारते हैं उसको। बुजुर्ग चचा ने जवाब दिया, बेटा सुनो, फुटबॉल का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने अंदर कोई वजनी चीज नहीं रखी है, उसके अंदर कोई भारी चीज नहीं है, हवा ही हवा भरी हुई है, पैर से मारो तो ऊपर भागता है, जमीन पे ऊपर से गिरे तो फिर भी दोबारा वापस उठता है ऊपर, फुटबॉल का कसूर यही है कि इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, अंदर कोई वजनी चीज नहीं है, इसलिए सब इसको लात मार रहा है। अगर इस फुटबॉल के अंदर सीमेंट होता, पत्थर होता, मिट्टी होती, रेता होता, कोई भी भारी भरकम वजनी चीज अगर उस फुटबॉल के अंदर डाल दी जाती तो इस फुटबॉल को लात से मारना तो दूर की बात है, छू के भी नहीं देखता, जरा सा टस से मस करने की हिम्मत नहीं होती किसी को। आज के मुसलमान का यही हाल है मेरे भाई, आज मुसलमान को इस्लामी कामों से रोका जा रहा है, इस्लामी जगहों से उनको महरूम किया जा रहा है, इस्लामी इबादत खाने को मुनहदीम का फैसला हो रहा है, उसकी जगह सनम खाने तैयार करने के तजावीज पेश हो रहे हैं, इसलिए कि ये मुसलमान जो है फुटबॉल की तरह ईमान से अंदर से खोखले हो चुके हैं। नाम के मुसलमान है, जाहिर में मुसलमान है, कमाने खाने घूमने फिरने में ये मुसलमान है, अमल में इसका दिल बिल्कुल फुटबॉल की तरह खाली हो चुका है। ईमान से भरा हुआ होता तो इसको कोई जलील नहीं करता, इसको कोई रुस्वा नहीं कर सकता, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, नजर से नजर मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती, ये खोखले हो चुके हैं, जेब भर रही है, पेट भर रहा है, मकान तोड़ फोड़ हो रहा है, टाइल्स और मार्बल की क्वालिटियां लग रही है, और हमारा दिल जो है इल्म से
कुरान की मोहब्बत से, इस्लामी अमल से बिल्कुल खाली होता हुआ जा रहा है। जायज नाजायज की आज हम परवाह नहीं कर रहे हैं, कौन सा अमल हमें करना चाहिए कौन सा अमल नहीं करना चाहिए। आज मार्केट में, बाजार में, गलियों में मुसलमानों से वो काम देखा जाता है जो कुफारों मुशरिकीन शर्मा जाते हैं।